चुनावी हैंगओवर के साथ शुरू हुआ साल 2021 लालू परिवार और आरजेडी के लिए मिला जुला रहा। लालू यादव की रिहाई, तेज प्रताप यादव की नाराजगी और सहयोगी पार्टी कांग्रेस के साथ तनातनी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन साल के आखिरी में तेजस्वी ने एक ऐसा सरप्राइज दिया जिससे उनके समर्थकों के लिए ये साल यादगार हो गया। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजद की सरकार नहीं बन पाई उसकी टीस इस साल की शुरुआत तक दिखी, लेकिन इसके बाद अच्छे दिन आए पार्टी के लिए। लालू यादव जेल से रिहा हुए और साल के आखिर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी भी हुई। साल की शुरुआत से ही पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई का इंतजार था। लालू यादव चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में जेल में सजा काट रहे थे। करीब 3.5 साल से ज्यादा की सजा पूरी होने के बाद आखिरकार अप्रैल महीने में लालू यादव को नियमित जमानत मिली और उनकी रिहाई हो सकी। कुल मिलाकर देखें तो ये साल पार्टी के लिए अच्छा रहा पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन कुछ विवाद भी सामने आए जिनमें प्रमुख रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पार्टी के विधायक लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच का जो विवाद था वो चरम पर था। उसके बाद से एक तरह से पार्टी के प्रदेश कार्यालय से भी नाता तोड़ लिया तेज प्रताप यादव ने। लालू यादव की रिहाई के बाद पार्टी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच विवाद सामने आया। ये विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब जगदानंद सिंह ने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष से आकाश यादव को हटा दिया। इसके बाद तो तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए और जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग कर दी। इस बीच तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच भी दूरियां साफ नजर आई। अभी ये विवाद थमा ही नहीं था कि महागठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी उपचुनाव में सीटों को लेकर आपस में ही उलझ गए। ये मामला तब और बढ़ गया जब इस विवाद में भक्त चोनहर की एंट्री हो गई। दरअसल लालू यादव ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास को भक्त चोनहर कह दिया था। फिर क्या था, कांग्रेस ने भी आरजेडी पर जमकर पलटवार भी किया, लेकिन साल के अंत होते होते कांग्रेस और आरजेडी में सुलह भी हो गई। इसी बीच जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया तो तेजस्वी यादव ने पहल की और खुद सीएम नीतीश से जाकर मिले। तेजस्वी की पहल पर बिहार के तमाम दलों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। वहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन 24 नवंबर को भी आया जब पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लालू यादव ने 6 टन वजनी संगमरमर की 11 फीट ऊंची लालटेन का अनावरण किया। आरजेडी के लिए ये साल जाते जाते यादगार पल दे गया जब अचानक तेजस्वी यादव की शादी की खबर आई। तेजस्वी ने अपनी बचपन की दोस्त से दिल्ली में 9 दिसंबर को शादी की। पार्टी के किसी भी नेता को शादी की कानों कान भनक तक नहीं लगी। जब तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ पटना लौटे तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अब नए साल में तेजस्वी यादव की शादी का रिसेप्शन होगा जिसमें देश के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस साल का अंत होते होते जब शादी हुई तो दोनों भाई एक साथ नजर आए और अंत भला तो सब भला। साल की जो शुरुआत हुई थी लालू यादव को रिहाई से और अंत पार्टी के लिए अच्छा रहा जब दोनों भाई एक साथ नजर आए, तेजस्वी की शादी हुई। कुल मिलाकर देखें तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल बेहतर बेहतर रायत के लिए। अब ये देखना है कि अगले साल क्या कुछ नया सामने आता है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से ईटीवी भारत के लिए मित्रमा।